एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बीच बीच में अगर आप लोगों को डाउट था कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा अपलोड करना चाहिए, तो वो सब पे हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोगों को सबको पता है कि डेट एक्सटेंड हो चुका है फॉर्म का, तो जितने स्टूडेंट्स अभी तक नहीं फॉर्म फिल किए हैं तो अच्छे से फॉर्म फिल कर दीजिए, और पूरा प्रोसीजर मैंने इसमें डिस्कस किया है, तो बने रहिएगा लास्ट तक और तैयारी करिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम होने का। तो अगर आगे भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको बहुत अच्छा समय मिला है, कोरोना टाइम को आप एक अच्छे तरीके से यूज़ करिए, टाइम को अच्छे से यूज़ करके अच्छे से खुशी खुशी तैयारी करिए, बढ़िया बढ़िया खुश रहिए, खुशी बांटिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का प्रोसीजर ये होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को एक फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी और ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दो आप लोगों को ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, दो फ़ोन नंबर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर सबसे पहला आया हुआ है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी, तो आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो भी पोस्ट कोड है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये पोस्ट आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है, आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिल करिए, एसएनटी से हैं तो एसएनटी का फॉर्म फिल करिए। ठीक है, फिर आप लोगों को कैंडिडेट नाम अपना नाम भरना पड़ेगा। और देखिए, नाम हमेशा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना होता है, टेंथ के मार्क्स के हिसाब से आपका प्रॉपर जो भी सरनेम है वो आप लोगों को फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि सरनेम है और आप नहीं भर रहे हैं, ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को बाद में दिक्कत हो जाती है, फिर एफिडेविट वगैरह का चक्कर पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को नाम अपने टेंथ के हिसाब से ही भरना है, और नीचे देख लीजिए लिखा भी हुआ है, एज़ पर योर मैट्रिकुलेशन और टेंथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, और मोबाइल नंबर आप ऐसा दीजिएगा जो एक्टिवेट हो, जिस पे मैसेज आ सके अच्छे से प्रॉपर, तो वो नंबर आप लोगों को देना है। चालू बंद नंबर मत दे दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आगे। ठीक है, और ईमेल आईडी आप लोगों को है, तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, जितने भी अपडेट्स हैं ये ईमेल आईडी पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आप लोगों को अगर एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड वगैरह का नोटिफिकेशन, चाहे अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, सबका नोटिफिकेशन नोटिस आप लोगों को इस ईमेल आईडी में भेजी जाएगी। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप लोगों का प्रॉपर होना चाहिए, खुद का ईमेल आईडी आप बनाइए, क्रिएट करिए। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कन्फर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा, एक एसएमएस आ जाएगा आप लोगों के मोबाइल में, और ईमेल आईडी पे भी आप लोगों का चला जाएगा ईमेल। तो वहाँ से आप ओपन करेंगे तो फिर आप लोगों का एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना ये फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जब आएंगे, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, स्क्रीन में शो कर रहा है पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स, तो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आप लोगों का जनरेट होगा, मेल में आप लोगों को आ जाएगा, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं तो वो पोस्ट आ जाएगी और उसका पोस्ट कोड आ जाएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों की स्क्रीन में शो करेगा जब आप ओपन करेंगे तब। उसके बाद सेंटर चॉइस 1, 2, 3 है, तो जनरली 3 से 4 सेंटर आप लोगों को पूछा जाता है, और पहला सेंटर आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के दीजिएगा, जहाँ पर भी आप रहने वाले हैं उस वहाँ का दीजिएगा, और फिर सेकेंड और थर्ड चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं आसपास के एरिया में, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, सेंटर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से यहाँ कैटेगरी पूछा जाएगा और सर्टिफिकेशन ईयर पूछा जाएगा। तो जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे आप लोगों को क्वेरी आई थी, जो मैंने डिस्कस किया है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करने के पहले, और वहाँ पर मैंने बताया है कि क्या क्या आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए।
और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेशन ईयर में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो 21-22 ही दिखाएगा आप लोगों को, 18-20, 18-19 कुछ नहीं दिखाएगा इसके अलावा। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, आई सर्टिफाई दैट आई बिलोंग टू OBC NLC एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सेम इशूड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022 फ्रॉम 1/4/2021 to 31/3/2022 विल बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो मेनली होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, हाल फिलहाल आप लोगों के पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दीजिए, बस वो फर्जी नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है कई बार। बस फर्जी आप लोग का नहीं होना चाहिए, अगर 18 का है 19 का तो आप अपलोड कर दीजिए, अगर स्टेट का है फिलहाल तो थोड़ा रिस्की है लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना का टाइम है, उन्हें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और क्योंकि अभी टाइम है सर्टिफिकेट बनाने का, डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप बनवा लीजिए फिर, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो जेंडर आता है मेल और फीमेल, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, कई बार मेल फीमेल में फीमेल हो जाता है मेल हो जाता है, अच्छे से प्रॉपर फिल करिए देख देख के, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी तो है नहीं फॉर्म फिल करने का, एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से फिल करिए। अब उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप लोगों को DOB पूछता है, जन्म तिथि आपका, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज़ पर योर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जितने भी डिटेल्स हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब आप लोगों को 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरना होता है। तो देख लीजिए कई बार होता है हम दो बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, एक बार वैसी कर लेते हैं ऑफिशियल वाला, और एक बार वैसी दो तीन बर्थडे वैसी बना लेते हैं, तो आप लोगों के ओरिजिनल चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जो 10th सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही ओरिजिनल माना जाता है और वही आप लोगों को यहाँ फिल करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आर यू पर्सन हैंडीकैप और डिसेबिलिटी, तो अगर कोई कैंडिडेट है तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए, ठीक है। आर यू एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पर भी यस नो का ऑप्शन है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नहीं। आर यू रजिस्टर्ड DFCCL एम्प्लॉई, तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करिए, और अगर आप हैं तो आप लोगों को यहाँ NOC सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ DFCCIL करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अभी मान लीजिए MTS में है और दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट वैसे ही लिखा हुआ है कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले अच्छे से देखना है, एलिजिबल है या नहीं, मेडिकली फिट है या नहीं, ये सब कुछ देखना है। उसके बाद अगर फीस एक बार कट गया तो रिफंड नहीं होगा, अगर आप दूसरा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको फॉर्म पूरा फिल करके पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा होता है। और क्वेरी है तो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी मेंशन है। अब यहाँ पर कैंडिडेट का नेम है, तो फिर से यही कहूँगी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो है 10th पे वो आप लिखिए, यहाँ XYZ है आपका जो भी नाम है, यहाँ पर पूरा नाम लिखिए, 10th के हिसाब से बस आप लोगों को लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, तो देखिए बच्चा मैरिटल स्टेटस में अगर आप अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड लिखिए, अदरवाइज मैरिड लिखिए। तो कई स्टूडेंट का ये डाउट था कि मैम फॉर्म में गलत फिल हो गया है, अनमैरिड है और मैरिड हो गया है, और मैरिड है और अनमैरिड हो गया है, तो देखिए इसमें कुछ किया तो नहीं जा सकता, एडिट का ऑप्शन है नहीं आप लोगों के पास, यही है कि आप इस ईमेल में कांटेक्ट करके या फिर टोल फ्री नंबर पे उनसे पूछ लीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन है, फिर मैट्रिकुलेशन का पूरा डिटेल्स है, तो यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड और काउंसिल, तो जिस भी बोर्ड को आप बिलोंग करते हैं, अगर CBSE है तो सिंपल CBSE लिख दीजिए, ICSE बोर्ड से हैं तो लिख लीजिए, या स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो लिख लीजिए जो भी आपका बोर्ड है। फिर ईयर ऑफ पासिंग टू 10th आपने कौन से ईयर में पास किया है वो लिखना है यहाँ पर, जिसमें एंट्री किए हैं वो नहीं, पास का लिखना है। अगर आप 2010 में पास आउट है तो 10 करिए, 11 में है तो 11 करिए। इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव स्कूल होगा उसका पूरा नाम लिख दीजिए, मार्क्स और परसेंटेज अच्छे से पुट करिए, अगर 80% है तो 80.00, 85 है तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव मार्क्स है वो आप एंट्री कर दीजिए। फिर इंटरमीडिएट यानी कि 12th का है, और 12th में आपका जो भी रहा होगा वो आप फिल कर दीजिए। अब देखिए कोई बच्चे का डाउट था ये कि वो लेटरल एंट्री लिए हैं तो यहाँ पर 12th नहीं करते हैं,
सॉरी, किसी ने अगर डिप्लोमा किया है 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो क्या करें क्या नहीं करें, 12th का सर्टिफिकेट मांग रहा है मार्क्स, तो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो 10th के बाद सीधे आप डिप्लोमा का मार्क्स फिल करिए, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्टार मार्क है, वहाँ पर स्टार मार्क नहीं था 12th में, क्योंकि उनको पता है अगर कोई बच्चा 10th से डिप्लोमा कर रहा है तो 12th नहीं किया होगा, तो इसलिए उसने स्टार मार्क नहीं लगाया गया है। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए, स्पेशलाइजेशन जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन बीकॉम बीएससी तो वो आप रेस्पेक्टिव डाल दीजिए, बीटेक किए हैं तो बीटेक कर दीजिए। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने ग्रेजुएशन करना शुरू किया था फिर कब पास आउट किए हैं उसका ईयर आप डाल दीजिए। इंस्टीट्यूट का नेम डाल दीजिए जो भी आप इंस्टीट्यूट से आपने बीटेक या जो भी ग्रेजुएशन किया है वो, यूनिवर्सिटी डाल दीजिए और उसके बाद परसेंटेज आप डाल दीजिए। तो ये एक एक अच्छे से चीज़ आप वो फिल करिए, ठीक है। प्रीवियसली कहाँ वर्क करते थे उसका डाल दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन है डाल देंगे वहाँ पर। मान लीजिए आप प्रीवियसली किसी कंपनी में काम करते थे या किसी पीएसयू वगैरह में हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरली अपलोड करने होते हैं। आपका रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए 3 वीक्स ओल्डर, देखिए लिखा रहता है यहाँ 3 वीक्स ओल्डर, लेकिन जब भी मैं फॉर्म फिल करती थी 1-2 साल पुराना अपलोड कर देते थे, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है। अगर कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि मैम 3 महीने पहले का अपलोड कर दिया है या 1 साल पहले का, कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका स्कैन सिग्नेचर का होना चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि ब्लैक से होना चाहिए, ब्लैक से आप कर दीजिए। ब्लू से भी अपलोड कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, माइनर सा मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अपलोड योर मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिकुलेशन हर एक फॉर्म में आप लोगों को मांगता है क्योंकि उससे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिलता है उन्हें, तो ये अपलोड करिए। और एक बच्चे का डाउट था कि थोड़ा सा ब्लर हो गया था, फोटो अच्छे से नहीं अपलोड हो पाया, थोड़ा धुंधला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा है चलेगा। अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर एसेंशियल सर्टिफिकेट, तो एसेंशियल सर्टिफिकेट में देखिए ये भी डाउट आ रहा था बच्चों का कि मैम कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करें, तो जो भी आप लोग के पास ओरिजिनल डिग्री है उसका आप जीरोक्स लेकर के उसके में सिग्नेचर कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए, या फिर पेंट में जा करके एडिट करके आप अपलोड कर दीजिए। और किसी के पास अभी नहीं है तो आप प्रोविजनल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों का बिल्कुल सही सही और लेटेस्ट अपना आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर आपके पास मार्कशीट है, फाइनल ईयर का मार्कशीट है जिसमें पूरे मार्क्स लिखे हुए हैं, 60% अबव का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो, और जो भी क्राइटेरिया है उसको आप अपलोड कर दीजिए। और अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए सेंट्रल का, और करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो आप 18, 19, 20 किसी का भी अपलोड अभी आप फ़िलहाल के लिए कर दीजिए, और तैयारी बढ़िया से करिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोल रहा था स्टेट का है तो रिस्की है, लेकिन आप अपलोड कर दीजिए, उतना ज़्यादा चेक नहीं होता है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सेल्फ अटेस्टेड जहाँ बोला है वहाँ सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करिएगा, जहाँ नहीं बोला है वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरल से हैं तो ये आप लोगों को कॉलम फिल नहीं करना है, वो आएगा भी नहीं आप लोगों का। और अगर आप एसटीएससी कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल का अपलोड करना पड़ेगा, एक बार बनता है, इसमें बार बार रिन्यू नहीं होता, तो वो आप अपलोड करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जब आप अपलोड करेंगे तो वो आप देख लीजिएगा कितने केबी का है, कौन से फॉर्मेट में आप लोगों को अपलोड करना है, सब कुछ लिखा रहता है, पीडीएफ में करना है या फिर जेपीजे में करना है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा लिखा रहता है। बस ध्यान से एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ करके ही फॉर्म फिल करिएगा, स्टार्ट करिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और यही कहूँगी कि आप लोगों का गलती नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बस। फिर डिक्लेरेशन आता है आप लोगों का, डिक्लेरेशन में यस ये आप लोगों को आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का सब कुछ अगर सब अच्छे से ठीक ठाक रहा तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, और पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन ही करनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, तो जो भी चार्जेस आप लोगों का है वो आपको स्क्रीन में शो कर देगा।
ठीक है, तो ST SC कैंडिडेट के लिए आई थिंक एक्सेम्पशन है, PWD कैंडिडेट के लिए तो फीस नहीं लगेगी। तो इससे ये मत सोचिएगा कि फीस नहीं लगेगी, तो आप लोगों का सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है फॉर्म, आप लोगों का जरूर मेल आएगा और फाइनल एक आप लोगों का लिखा हुआ आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आप लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो पेमेंट के ऑप्शन में जाके ऑनलाइन पेमेंट करिएगा, कोई चलान वलान डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद जब आप पेमेंट हो जाएगा तो सक्सेसफुली पेमेंट हो गया लिखा हुआ आएगा, मेल आएगा आप लोगों को, बस आपका सबमिट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। और देखिए, किसी बच्चे का डाउट था कि पेमेंट हो जा रहा होते होते रह जा रहा है, कई बार नहीं होता है पेमेंट, कई बार पैसे कट जाते हैं, तो ये सब देखिए दिक्कत है, आती है कई बार फॉर्म फिल करने में, कोई इशू नहीं है। आपका बस मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए कि पेमेंट सक्सेसफुल है, और अगर कट जाता है तो वो रिफंड आ जाता है आप लोगों का विदिन 2-3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, और पेमेंट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेरीज थे, देख लीजिए आप, फिल करिए अच्छे से फॉर्म, और अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आप मेरे मेल में भी कर सकते हैं कोई डाउट क्वेरीज, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करके फटाफट तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी हमारा लेक्चर धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री रेलवे का और DFCCL का मैंने कवर कर लिया है, जनरल साइंस की चल रही है, और टेक्निकल क्लासेस इलेक्ट्रिकल और SNT स्टूडेंट्स के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, आ जाएगा जल्दी जल्दी, बस बने रहिएगा साथ में, और पूरे आपके प्रिपरेशन के दौरान मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। अच्छे से प्रिपेयर करिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।